अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 7 त्रिकोण, जिसको हम उर्दू में कहेंगे मुसल्लस। इससे पहले के पीरियड में मैंने आपको मुसल्लस के बारे में जानकारी दी थी कि मुसल्लस किसे कहते हैं, उसकी तारीफ लिखाई थी। इसके अलावा हमने देखा था कि एक जैसी यानी कि मुतमासिल तस्वीर के बारे में देखा। उसके बाद फिर हमने आप देखा कि मुतमासिल दो मुसल्लस किस तरह से मुतमासिल होते हैं और इसके अलावा दोनों के बीच में मुताबिकत कैसी होती है। अब हम देखेंगे कि त्रिकोणी एकरूपता माटेनी शर्तों यानी कि जो मुसल्लस हमको दो दिए गए हैं उसके मुतमासिल होने के लिए कौन कौन से शराइत है, तो यह हमको याद करना है और इसे लिखना भी है। तो सबसे पहला मैंने शराइत लिखा है कि अगर एक मुसल्लस के दो ज़िले और उनके दरमियान का जाविया दूसरे मुसल्लस के दो ज़िले और जाविये के बराबर हो तो वो मुसल्लस क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के मुतमासिल होंगे यानी कि कैसे होंगे, एक रूप होंगे। तो मुसल्लस के मुतमासिल होने की ये पहली शराइत है। क्या शराइत था कि अगर एक मुसल्लस, फर्ज करो कि मेरे पास एक मुसल्लस है, मुसल्लस ए बी सी और ये मेरे पास दूसरा मुसल्लस है एक्स वाई और जेड, तो क्या दिया है कि अगर एक मुसल्लस के दो ज़िले, तो दो ज़िले कौन कौन से होंगे, एक तो ए बी और दूसरा ए सी, उनके दरमियान का जाविया, तो ए बी और ए सी के दरमियान का जाविया क्या है, एंगल ए है। दूसरे मुसल्लस के दो ज़िले यानी कि एक्स वाई और एक्स जेड और उनका भी दरमियान का जाविया, ये दोनों अगर बराबर हो तो दोनों मुसल्लस एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मुतमासिल कहलाएंगे। तो इसको हम किस तरह से पेश करेंगे, एस ए एस क्या कहेंगे, साइड एंगल साइड, जिसको हम उर्दू में लिखेंगे ज़ुआत ज़े ज़ुआत, ज़िला ज़ाविया ज़िला। तो ये हमारा ए भी ज़िला है, ज़ाविया ए है और वापस ज़िला हमारे पास ए सी है ना। तो ये कौन सी शराइत है कि अगर दो मुसल्लस के अंदर ज़ुआत ज़े ज़ुआत, जिसको हम गुजराती में कहेंगे बा खूबा, क्या कहेंगे हम वो भी लिख दो, बा खू ने बा बाजू खोणा बाजू, जिसको उर्दू में कहेंगे ज़ुआत ज़े ज़ुआत, क्या कहेंगे ज़ुआत ज़े ज़ुआत, और इंग्लिश में कहेंगे एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड। तो क्या है इसकी मुसल्लस की पहली शर्त कि अगर एक मुसल्लस के दो ज़िले और उनके दरमियान का जाविया दूसरे मुसल्लस के दो ज़िले और जाविये के बराबर हो तो वो मुसल्लस एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मुतमासिल कहलाएंगे, जिसे हम किसके आपस पेश करेंगे, ज़ुआत ज़े ज़ुआत, ज़िला जाविया ज़िला। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी दूसरी शराइत क्या है। तो पहली शराइत हमको याद करनी है, तो चलो देखेंगे इसकी दूसरी शराइत, इसकी क्या है शर्त मुसल्लस के मुतमासिल होने की, कि अगर मुसल्लस के दो जाविये और उनके दरमियान का ज़िला दूसरे मुसल्लस के दो जाविये और ज़िले के बराबर हो तो वो मुतमासिल होंगे। इससे पहले हमने क्या देखे थे, दो ज़िले देखे थे और उनके दरमियान का एक जाविया देखा था। अब हमको क्या दिए है कि दो जाविये और उसके दरमियान का ज़िला, फर्ज करो कि मेरे पास दो मुसल्लस है, अब दो मुसल्लस है मेरे पास, तो यहाँ मैं ले लेती हूँ ए बी सी, चलो यहाँ ले लेंगे हम पी क्यू आर, तो या चाहे इधर से लो चाहे उधर से लो, अगर मुसल्लस के दो जाविये तो ये एक जाविया और ये दूसरा जाविया, अगर मुसल्लस के दो जाविये उनके दरमियान का ज़िला, तो ये दोनों के दरमियान का ज़िला क्या है, ये है, और दूसरे मुसल्लस
उसके दो जाविये यानी के पी आर और उसके जिला उसके दरमियान का जिला अगर ये दोनों बराबर हो तो ये दोनों मुसल्लस भी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मुतमासिल कहलाएंगे। तो जिसको हम क्या कहेंगे, किसके क्या कहेंगे, ए एस ए एंगल साइड एंगल। अब इसको उर्दू में हम क्या कहेंगे, जाविया जिला जाविया। और गुजराती में क्या हम क्या कहेंगे, खूणो बाजू खूणो। के अगर मुसल्लस के दो जाविये और उनके दरमियान का जिला दूसरे मुसल्लस के दो जाविये और उनके दरमियान के जिले के बराबर हो तो भी हमारे मुसल्लस क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मुतमासिल। और मुतमासिल की निशानी में बार बार बता रही हूँ कैसे क्या कहेंगे, मुतमासिल की निशानी कहेंगे। गुजराती में इसको बोलते एक रूप, क्या कहेंगे, एक रूप। तो किससे केस कैसे होएगा, जाविया जिला जाविया यानी के ए एंगल साइड एंगल खूणो बाजू खूणो। तो अगर मुसल्लस के दो जाविये और उनके दरमियान का जिला दूसरे मुसल्लस के दो जाविये और जिले के बराबर हो तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मुतमासिल कहलाएंगे। ये हमारी कौन सी शर्त है, दूसरी शर्त है मुतमासिल होने के लिए। अब हम तीसरी शर्त देखेंगे इसकी, के तीसरी शर्त क्या है। चलो इसकी तीसरी शराइत क्या है कि अगर मुसल्लस के दो जाविये और एक जिला, देखो इससे पहले की तारीफ में देखेंगे तो मेरे वहां दरमियान का लिखा है, दोनों तारीफ एक जैसी है लेकिन वहां पर दरमियान है, मेरे वहां लिखाया है दो जाविये और उनके दरमियान का जिला, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखाया है कि अगर मुसल्लस के दो जाविये और एक जिला दूसरे मुसल्लस के दो जाविये और एक जिले के बराबर हो तो वो मुसल्लस क्या कहलाएगा, मुतमासिल होंगे। यानी कि फर्ज करो कि मेरे पास मुसल्लस है ए बी सी और दूसरा है मेरे पास एक्स वाई और जेड। तो क्या दे रहा है कि अगर मुसल्लस के दो जाविये, मान लो कि मैंने एक ये ले लिया और एक ये ले लिया और एक जिला, अब ये जिला इधर का लो या जिला उधर का लो, तो मैं ये ले लेती हूँ। तो अब इसके बराबर ये x आएगा और b के बराबर क्या आएगा, y आएगा और xc के बराबर क्या, ac के बराबर क्या आएगा, xz आएगा। तो अगर मुसल्लस के दो जाविये और एक जिला दूसरे मुसल्लस के दो जाविये और एक जिले के बराबर हो तो वो मुसल्लस क्या कहलाएगा, मुतमासिल कहलाएगा। जिसको हम क्या कहेंगे, एंगल एंगल साइड, क्या कहेंगे, एंगल एंगल साइड। जिसको हम उर्दू में क्या कहेंगे, साइड यानी के क्या, ज़ुआत और जाविया जाविया, ज़ुआत ज़े ज़े यानी के जाविया जाविया ज़ुआत। और गुजराती में क्या कहेंगे, खूणो खूणो बाजू। तो ये हमारी क्या थी, तीसरी शर्त थी कि अगर मुसल्लस के दो जाविये, मैं बार बार कहती कि इससे पहले भी मैंने तारीफ ऐसी ही लिखाई है लेकिन मैंने क्या लिखा है कि अगर मुसल्लस के दो जाविये और उनके दरमियान का जिला, क्या लिखाया था कि उनके दरमियान का जिला था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर मुसल्लस के दो जाविये और एक जिला दूसरे मुसल्लस के दो जाविये और एक जिले के बराबर हो तो वो मुसल्लस एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मुतमासिल कहलाएंगे। जिसको हम क्या कहेंगे, जाविया जाविया जिला, जिसको कहेंगे खूणो खूणो बाजू और इंग्लिश में कहेंगे एंगल एंगल साइड। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी चौथी शराइत क्या है। तो ये हमारी तीसरी शराइत हुई, अब हम चौथी शराइत देखेंगे। चलो चौथी शर्त हमारी क्या है कि अगर मुसल्लस के तीनों जिले दूसरे मुसल्लस के तीनों जिलों के बराबर हो
तो वो मुसल्लस क्या होगा? मुतमासिल होगा, यानी कि तीनों तीन जिले ए बी सी और एक्स वाई जेड। तो ए बी बराबर अगर एक्स वाई है, बी सी बराबर वाई जेड है और ए सी बराबर अगर एक्स जेड है, तो ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मुतमासिल होंगे। ये हमारी चौथी शर्त थी कि अगर मुसल्लस के तीनों ज़िले यानी कि ए बी एक्स वाई, बी सी वाई जेड और ए सी एक्स जेड, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस एक्स वाई जेड एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मुतमासिल कहलाएंगे, जिसे हम कहेंगे एस एस एस, साइड साइड साइड, यानी कि ए बी भी हमारा ज़िला है। उर्दू में कहेंगे ज़ुआर ज़ुआर ज़ुआर, और गुजराती में हम क्या कहेंगे इसको? बाबा। क्या कहेंगे? बाजू बाजू बाजू, है ना। तो अगर मुसल्लस के तीनों ज़िले दूसरे मुसल्लस के तीनों ज़िलों के बराबर हो, तो वो मुसल्लस क्या कहलाएगा? मुतमासिल कहलाएगा। तो ये कितनी शर्त हुई हमारी? चार शर्त हुई। अब इसके बाद भी देखेंगे कि वो कौन सी शर्त है जो के जिससे मुसल्लस मुतमासिल होंगे। चलो, इसकी पांचवी शराइत शर्त थी कि अगर दो कायमतुल जाविया मुसल्लस का एक वितर और एक ज़िला दूसरे वितर दूसरे मुसल्लस के वितर और ज़िले के बराबर हो, तो वो मुसल्लस क्या कहलाएंगे? मुतमासिल। पर शर्त क्या है कि वो क्या होना चाहिए? कायमतुल जाविया। तो देखो, मेरे पास कायमतुल जाविया, चलो ये कायमतुल जाविया मुसल्लस है मेरे पास दो, तो यहाँ मेरे पास है, मान लो कि मैंने लिया ए बी सी और यहाँ ले लूँगी मैं पी क्यू आर। चलो पी क्यू आर, तो क्या दिला कि अगर दो कायमतुल जाविया मुसल्लस, यानी कि मेरा कितने का है? 90 का है। तो एक वितर, तो एक वितर हमारा क्या है? ए सी दरे और दर क्या है? पी आर। तो एक वितर और एक ज़िला, अब वो ज़िला आप लोग ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, तो ये के मुसल्लस कायमतुल जाविया मुसल्लस का एक वितर और एक ज़िला दूसरे मुसल्लस के वितर और ज़िले के बराबर होगा, तो भी वह मुसल्लस मेरा क्या कहलाएगा? मुतमासिल कहलाएगा। यानी कि इसको हम कहेंगे आर एच एस, जिसको हम गुजराती में कहेंगे काटकोण कर्ण और बाजू, है ना। यानी कि कायमतुल जाविया लिया, जिसका वितर गुजराती में वितर को हम क्या कहेंगे? कर्ण। ये जो हमारा है इसको हम क्या कहेंगे? कर्ण। उर्दू में कहेंगे वितर। तो क्या आएगा कि ऐसे मुसल्लस कायमतुल जाविया मुसल्लस के जिसका एक वितर दूसरे मुसल्लस के एक वितर से और जिसका एक ज़िला दूसरे ज़िले के बराबर हो, तो वो दोनों मुसल्लस एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मुतमासिल कहलाएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरी, ये पांच राइत आपको याद रखनी है और ये पांच राइत के ऊपर ही हमारा पूरा जो लेसन है वो चलेगा। तो आपको पहले से याद कर लेना है और याद करने के बाद इसके बाद मैं आपको मिसालें हल करवाऊंगी।